हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम एवं शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारी तीसरी इकाई चल रही है, जो शिक्षण से संबंधित है, मेथड से संबंधित है कि किस तरह से शिक्षण करवाना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उन शिक्षण के स्तरों में यानी प्रकारों में हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें था स्वायत्त विकास का स्तर पहला, दूसरा था अपने शिक्षण का मनोवैज्ञानिक स्तर, और आज तीसरा जो पढ़ रहे हैं वो है शिक्षण का बोध स्तर। शिक्षण का स्तर, इसका जो तीसरा प्रकार है वह है बोध स्तर के बारे में हम करेंगे। बोध स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर से आगे की अवस्था है। जो हमने दूसरा पढ़ा था वो था स्मृति स्तर। स्मृति यानी याद करना, याददाश्त करना इस चीज को। जैसे हम पूरे दिन बहुत सी चीजों को सीखते हैं, कार्य करते हैं, तो हम उन कार्यों को अचेतन अवस्था में डाल देते हैं। जब भी हमारी उसकी जरूरत होती है हम उसको चेतनावस्था में लाकर उसको याद करते हैं, इसी को हम स्मृति कहते हैं। इसमें स्मृति तथा अंतर्दृष्टि दोनों सम्मिलित होती है। बोध स्तर के शिक्षण के लिए ये आवश्यक है कि पहले स्मृति स्तर का शिक्षण हो चुका हो, इससे व्याख्यात्मक बोध का स्तर भी कहते हैं, यानी व्याख्यात्मक, इसको व्याख्यात्मक भी कहा जाता है। इसमें छात्र को प्रत्येक प्रत्येक तथ्यों तथा उनकी सामान्य कर्तव्य स्वरूप के बारे में देखने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। जब छात्र किसी शिक्षण परिस्थितियों में प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों, सूचनाओं, नियमों तथा सिद्धांतों को अलग अलग देखकर उसमें आपसी संबंधी संबंधों को समझाते हुए विचार करने लग जाता है तथा उसकी परिस्थितियां विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग कर सकने की सूझबूझ प्राप्त कर लेता है, तो उसमें अधिगम की बोध के स्तर का रखा जा सकता है। यानी जब कोई कार्य बालक सीखता है और उन कार्यों को अचेतन अवस्था में डाल देता है, यानी कोई भी चीज विषय वस्तु के बारे में जानता है, उसका ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो सभी कार्य हमारे मस्तिष्क में अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। यानी जब तक उसका उपयोग नहीं होता तब तक हमको चीज याद नहीं आती। लेकिन जब वो याद होती है और जैसे ही उसका उपयोग होता है तो वो चेतनावस्था में आती है, तब तक उसको हम स्मृति कहते हैं। लेकिन जब वो जानने लग जाता है कि वो विषय वस्तु उसके जीवन में कितनी उपयोगी है, तो वो उसको बोध स्तर में रखा जाता है। बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान, बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान। शिक्षण का प्रतिमान यानी
बौद्ध स्तर का शिक्षण प्रतिमा मॉरिसन ने प्रतिपादित किया था। इसने क्या था? इसका मॉरिसन। और इसमें के स्तर के शिक्षण का किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। अतः इसे मॉरिसन शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। इसको बौद्ध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान, इसको दूसरा नाम है व्याख्यात में भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है मॉरिसन शिक्षण का प्रतिमान भी कहा जाता है। इस प्रतिमान के प्रारंभ एवं वर्णन मॉरिसन ने निम्नलिखित दो पक्षों में किया है, जिसका पहला है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। और दूसरा का संरचना। दूसरा क्या है? संरचना। अब उद्देश्य में इस प्रतिमान का बुनियादी उद्देश्य विषय पर अधिकार प्राप्त करना है। यानी हम जब किसी चीज को समझने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर हम अधिकार हो गया, हमें उस विषय वस्तु के ऊपर, हम उसको किसी भी तरह से समझ सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं जीवन में। तो विषय पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। विषय पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ यह है कि शिक्षार्थी नियोजित अवबोधों को भली भांति प्रकार अधिकरण कर ले। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मॉरिसन ने विषय वस्तु की विषय वस्तु को इकाइयों में विभक्त करने को कहा है। इकाई का अर्थ ऐसे सामान्यकरण तथा उसमें संबंधित तथ्यों से जिसे शिक्षार्थी उस रूप में देखा जा सके और समझा जा सके। और संरचना मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण को व्यवस्था को 5 सोपान में विभक्त किया है, जिसका अनुसरण करते हुए शिक्षक बौद्ध स्तर को शिक्षण तथा अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें पहला है अन्वेषण या खोज। इसको 5 सोपानों में विभक्त किया। पहला है अन्वेषण, जिसको खोज भी बोलते हैं। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तीसरा है आत्म साक्षात्कार, आत्म चौथा है संगठन और वर्णन, संगठन। और पांचवा है वर्णन। इन 5 सोपानों को उन्होंने बांटा है। किसने बांटा है? मॉरिसन ने बांटा है। पहला है खोजबीन, यानी इस सोपान के अंतर्गत मॉरिसन ने 3 क्रियाओं को सम्मिलित किया है। पूर्व ज्ञान का पता लगाना, फिर उसके बाद में यह निश्चित परीक्षण करना। पूर्व ज्ञान का पता लगाना, इसके लिए प्रश्न पूछकर परीक्षण किया जाता है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करते हुए उसके अवयवों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रमबद्ध रूप में तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना। उसके बाद यह निश्चित करना है कि नवीन ज्ञान इकाइयों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक अधिक क्रियाशील रहकर पाठ्य वस्तु को छात्रों को समझाने का प्रयास करता है। कौन करता है? शिक्षक करता है। यह पाठ्य वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करता है। साथ ही यह प्रयास करता है कि सभी इकाइयों में क्रम बना रहे। यानी प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि बहुत बड़े अध्याय में या विषय वस्तु को उसको छोटे छोटे बनाए कि अध्यायों में या छोटे छोटे भाग में बांट कर बच्चों के सामने शिक्षार्थियों के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है कि इकाई से प्रस्तुत विषय का गहन अध्ययन करना, यानी जो भी पढ़ाई कर रही है, जो भी अध्ययन किया जा रहा है, उसका गहन अध्ययन करना, उसका गहन अध्ययन करके बच्चों को समझाना। जिससे भी जो भी आप विषय वस्तु समझ रहे हैं
या समझाना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें क्या करना पड़ता है, गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो ये था आत्मसंकरण संगठन यानी स्ट्रक्चर। स्वामित्व परीक्षण का सफल होने के पश्चात पाठ्य पुस्तक की प्रकृति के अनुसार व्यवस्था अथवा वर्णन कालांश में प्रवेश करते हैं। मनुष्य के अनुसार व्यवस्था कालांश में विद्यार्थियों को प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे क्लास कैसे व्यवस्था की जाती है, क्लास कैसे की जाती है, कितना टाइमिंग होना चाहिए, कितना बच्चों को पढ़ाना है, कितना समझाना है, वो इस संगठन में आएगा। वर्णन यानी उसके बारे में बताना, जैसे विषय वस्तु के बारे में विस्तार से बताना, उसका उसके विस्तार या विस्तृत रूप से उस विषय वस्तु के बारे में समझाना। तो ये क्या अपने संरचना पांच सवालों के में बांटा था। मॉरिसन इसको ध्यान दिए, मॉरिसन शिक्षण प्रतिमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगला विषय लेकर प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।